Hello everyone, in this video you will get to know how you can access a file using its absolute path or relative path. आप एक फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हो उसके एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ को यूज करके. ओके, टू अंडरस्टैंड पाथ वी मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म ड्राइव, डायरेक्टरी और फोल्डर एंड फाइल. तो आपको पाथ को समझने के लिए किसको समझना जरूरी है कि ड्राइव क्या होता है, डायरेक्टरी या फोल्डर क्या होता है एंड फाइल क्या होता है. ओके, आर हार्ड डिस्क इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. हार्ड डिस्क क्या है? हार्ड डिस्क आपका वो डिवाइस है जिसमें आपके सिस्टम का कंप्लीट डेटा जाके स्टोर होता है, सारा का सारा डेटा उसमें जाके स्टोर होता है. तो लॉजिकली मतलब आप क्या करते हो, उसके सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर देते हो पार्ट्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्स बोलते हैं. लाइक सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव एक्सेट्रा. ओके, अ ड्राइव इज आल्सो नोन एज रूट डायरेक्टरी और रूट फोल्डर. आप ड्राइव को रूट डायरेक्टरी या रूट फोल्डर भी कह सकते हो. द नेमिंग फॉर्मेट ऑफ अ ड्राइव इज ड्राइव लेटर एंड कॉलन. तो अगर आपको किसी ड्राइव को नेम देना है तो आप कैसे दोगे, उसका लेटर जैसे सी एंड कॉलन. ओके, सी कॉलन मीन्स सी ड्राइव, दिस इज योर सी ड्राइव. ओके, एंड ई कॉलन ई ड्राइव, एफ कॉलन एफ ड्राइव, लाइक दिस. ओके, the drives are the main container in which we put everything to store. okay, that I have told you ki jo aap jitna bhi data store karte ho wo kahan jata hai, wo drives mein jaake store hota hai, c drive, e drive, f drive, right? a drive contains folders and files in it. aur drives ke andar kya hota hai, jaise yahan pe dekho aapki picture mein, yahan pe aapne c drive ko open kiya hua hai. okay, to aur c drive ko open kiya hua hai to yahan pe uske folders yahan pe show ho rahe hain. okay, aur in folders ke andar kya hoti hai, files hoti hai. राइट, अ ड्राइव कंटेन्स फोल्डर्स एंड फाइल्स इन इट. एक ड्राइव को जब आप ओपन करते हो तो क्या कंटेन करता है, फोल्डर्स कंटेन करता है, सब फोल्डर कंटेन करता है, फाइल्स कंटेन करता है. अ फोल्डर कैन कंटेन्स फाइल्स और सब फोल्डर इन इट. एक फोल्डर के अंदर फाइल्स भी हो सकती हैं और दूसरे फोल्डर्स भी हो सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर्स. ओके, फाइल्स आर द एक्चुअल डेटा कंटेनर. जो एक्चुअल डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो आपकी फाइल्स में स्टोर होता है. राइट, now here we have what is path. path kya hota hai, the full name of a file or directory or folder consists of path. to ek file ka jab aap full name dete ho ya ek folder ka jab aap full name dete ho usko aap kya bolte ho, use aap path bolte ho. right, aur ye path jo create hoga wo kaise hoga, path include karega from drive, address from drive. ओके, एंड ऑल द फोल्डर्स इंक्लूडेड. जैसे आपने जो आपका फाइल है, जो आपकी फाइल है, मान लो सी ड्राइव के किसी फोल्डर में है. ओके, तो उसमें क्या इंक्लूड होगा, उसके अंदर आपकी सी ड्राइव भी इंक्लूड होगी. लेट अस सपोज हम यहाँ पे फाइल लेते हैं शी डॉट एक्स एल एस. राइट, आपको इसका इसका पाथ जानना है तो सबसे पहले आप सी ड्राइव लोगे, सी ड्राइव के अंदर जाओगे, सी ड्राइव के अंदर आप कहाँ जाओगे, सेल्स फोल्डर के अंदर जाओगे, सेल्स फोल्डर के अंदर आप 2019 फोल्डर के अंदर जाओगे और वहां पे जाके आपको शीट डॉट एक्सएलएस फाइल मिलेगी. राइट, तो इसका जो पाथ होगा उसमें क्या इंक्लूड होगा, उसके अंदर सी ड्राइव भी इंक्लूड होगा, देन सेल्स फोल्डर, देन 2019 फोल्डर एंड देन दिस फाइल. ओके, तो ये क्या करेगा, कंप्लीट सिक्वेंस को इंक्लूड करेगा. राइट, अब पाथ इज अ सिक्वेंस ऑफ डायरेक्टरी नेम्स. तो पाथ में क्या इंक्लूड होगा, वो सारे फोल्डर्स या वो सारी डायरेक्टरीज विच गिव यू द हायरार्की टू एक्सेस अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी और फाइल नेम. ओके, तो कंप्लीट हायरार्की आएगी जब आप पाथ को कंसीडर करोगे. अभी हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे. ओके, सबसे पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट पाथ. एब्सोल्यूट पाथ इज द फुल एड्रेस ऑफ एनी फाइल और फोल्डर फ्रॉम द ड्राइव. तो एब्सोल्यूट पाथ क्या है, कंप्लीट एड्रेस है फ्रॉम ड्राइव. ओके, एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, जिस ड्राइव में आपका आपकी वो फाइल स्टोर है. किसी फोल्डर में स्टोर है, सब फोल्डर में स्टोर है, लेकिन पाथ को आप कंप्लीट पाथ को यहाँ स्पेसिफाई करोगे फ्रॉम रूट फोल्डर. फ्रॉम रूट फोल्डर, रूट फोल्डर आपका क्या होता है, ड्राइव. ओके, तो यहाँ पे इसका जो एब्सोल्यूट पाथ का जो फॉर्मेट है वो क्या है, ड्राइव नेम, देन आपका आएगा स्लैश फोल्डर. ओके, ड्राइव पर्टिकुलर जो भी आपकी ड्राइव है, ड्राइव का नेम, उसके अंदर जो भी फोल्डर है. ओके, और उसका सब फोल्डर है, और उसका सब फोल्डर है. ओके, मतलब जितना भी कंप्लीट फोल्डर में जाके इन द एंड आपके पास क्या आएगा, आपका फाइल का नेम आएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, द एब्सोल्यूट पाथ ऑफ फाइल रेवेन्यू डॉट टी एक्स टी. ये आपकी है रेवेन्यू डॉट टी एक्स टी, इसका पाथ कैसे आप लिखोगे, इसका पाथ आपका आएगा सी ड्राइव. ओके, आपने फर्स्ट दे दिया सी ड्राइव, देन आपका सेल्स फोल्डर, आपका सेल्स फोल्डर है यहाँ पे. ओके, देन 2019, तो आपका यहाँ पे 2019 आ गया, देन रेवेन्यू डॉट टी एक्स टी. राइट, सो दिस इज योर एब्सोल्यूट पाथ, कंप्लीट पाथ और एब्सोल्यूट पाथ. राइट,
एब्सोल्यूट पाथ ऑफ सेक अंडरस्कोर 12.ppt आपका कहाँ पे है, ये वाला फाइल देखो, ये है आपके पास ये वाली फाइल, तो इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, सी ड्राइव, ओके, देन आपका प्रॉड फोल्डर, दिस फोल्डर, देन आपका नोएडा फोल्डर, ओके, एंड देन आपका सेक अंडरस्कोर 12 ppt. तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, किसी भी फाइल का कंप्लीट पाथ, राइट, एब्सोल्यूट पाथ मींस किसी भी फाइल का कंप्लीट पाथ, ओके, टू फाइल्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट लोकेशन कैन एग्जिस्ट, अगर आपकी सेम ड्राइव के अंदर दो फाइल्स हैं जिनका नेम क्या है, सेम है, ओके, तो वो कब एग्जिस्ट होंगी, अगर वो डिफरेंट लोकेशंस में होंगी, मींस डिफरेंट फोल्डर्स में होंगी, तो वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट, सेम फोल्डर में आपकी सेम नेम की दो फाइल्स नहीं रह सकती, ओके, तो एब्सोल्यूट पाथ क्या है, एब्सोल्यूट पाथ इंक्लूड्स द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल, राइट, फ्रॉम द रूट फोल्डर, और रूट फोल्डर क्या होता है आपका ड्राइव, राइट. Next we have relative path. Relative path is the location of file folder from the current working directory or current working folder. Relative path क्या होता है, उस file folder को आप path दोगे जो आपकी current working folder में, और मतलब आपका folder open है और वो file उसमें exist करती है, राइट. करेंट वर्किंग फोल्डर इज डिनोटेड एज डॉट, और जो आपका आप जो करेंट वर्किंग फोल्डर है जिसमें आप काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ओपन है, उसको आप किसे डिनोट करोगे, डॉट से, व्हाइल इट्स पेरेंट फोल्डर इज डिनोटेड विद टू डॉट्स, और जो उसका पेरेंट फोल्डर होगा वो टू डॉट से क्या होगा, आप उसको डिनोट करोगे. अभी आपको ये समझ नहीं आएगा रिलेटिव पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ इज रिलेटिव टू योर करेंट वर्किंग फोल्डर और करेंट वर्किंग डायरेक्टरी. रिलेटिव पाथ में क्या होता है, आप ऑलरेडी उस फोल्डर में हो, राइट, और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जो आप एक्सेस करना चाहते हो, आप उसको एक्सेस कैसे करोगे, रिलेटिव पाथ की हेल्प से, राइट. तो इसको मैं अभी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको. अब यहाँ पे देखो, ये हमारा रिलेटिव पाथ का एग्जांपल है. सपोज करेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज सेल्स, ओके, यहाँ पे हम सेल्स को ले रहे हैं, ये हमारी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसको हमने ओपन किया हुआ है, राइट. वी वॉन्ट टू एक्सेस शीट डॉट एक्स एल एस फाइल, ओके, हमें क्या एक्सेस करनी है, शीट डॉट एक्स एल एस फाइल को एक्सेस करना है, और सेल्स फोल्डर हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है. देन द रिलेटिव पाथ विल बी, तो अब इसका रिलेटिव पाथ क्या होगा, यहाँ पे करेंट वर्किंग आपका फोल्डर क्या है, सेल्स है, ओके, तो सेल्स की प्लेस पे आपने दे दिया डॉट, फाइन, ओके, उसका नेक्स्ट फोल्डर क्या है, 2019, वो आपने स्पेसिफाई कर दिया, देन आपने शीट डॉट एक्स एल एस दे दिया. तो यहाँ पे देखो रिलेटिव पाथ में क्या है, आपने डायरेक्टरी से पाथ नहीं दिया है, आपने सी ड्राइव देन सेल्स देन 2019 देन शीट डॉट एक्स एल एस नहीं दिया है, आपने क्या किया है, करेंट वर्किंग फोल्डर देखा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा करेंट वर्किंग फोल्डर खुला हुआ है, सेल्स ओपन हुआ है, तो हमने इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है, ओके, एंड सेल्स फोल्डर के अंदर आपका 2019 है, आपने 2019 फोल्डर को एक्सेस किया, देन आपने शीट डॉट एक्स एल एस को एक्सेस किया, राइट. तो यहाँ पे जो आपने शीट डॉट एक्स एल एस फाइल एक्सेस की है, ओके, उसका एड्रेस क्या है, उसका रिलेटिव एड्रेस है, रिलेटिव टू द करेंट वर्किंग फोल्डर, बिकॉज आप ऑलरेडी किसके अंदर हो, सेल्स फोल्डर को आपने ओपन किया हुआ है, राइट, ओके. इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज डेली, ओके, आपकी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, डेली है, आपने इसको ओपन किया हुआ है, आप इसमें काम कर रहे हैं, ओके, वी वॉन्ट टू एक्सेस सेक अंडरस्कोर 8.xls फाइल, ओके, आपको ये वाली फाइल क्या करनी है, ओपन करनी है, देन द रिलेटिव पाथ और रिलेटिव एड्रेस विल बी. अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा करेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, ओके, फाइन, तो यहाँ पे, और ये हमें फाइल कौन सी आपको एक्सेस करनी है, सेक अंडरस्कोर 8.xls, राइट. अब ये फाइल किसके अंदर है, ये हमारी करेंट वर्किंग जो डायरेक्टरी है उसकी पेरेंट फाइल के अंदर है, राइट. तो यहाँ पे प्रॉड उसकी क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी है या पेरेंट फोल्डर है, तो पहले हम कहाँ जाएंगे, इसके पेरेंट फोल्डर में जाएंगे, फाइन, इसके कहाँ जाएंगे, जो आपकी करेंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, उसके पेरेंट फोल्डर में जाएंगे. पेरेंट फोल्डर यहाँ पे इसका है प्रॉड, तो यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे हमने डबल डॉट दिया है, डबल डॉट फॉर द पेरेंट फोल्डर. अब हम इसके पेरेंट फोल्डर में गए हैं, पेरेंट फोल्डर से हम जाएंगे नेक्स्ट फोल्डर में, डेट इज नोएडा,
ओके आप नोएडा में चले गए, देन आप नेक्स्ट में जाओगे सेक अंडरस्कोर 8 एक्सएलएस फाइल के अंदर। ओके तो यहाँ पे करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी डेली थी उसके आप पेरेंट फोल्डर में गए, उसको आपने पेरेंट फोल्डर को डिनोट किया है डबल डॉट से। ओके करंट वर्किंग डायरेक्टरी को हम सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट वर्किंग डायरेक्टरी के पेरेंट फोल्डर को हम डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके पेरेंट फोल्डर के फोल्डर में आप गए नोएडा के अंदर, ओके एंड नोएडा से आपने क्या एक्सेस किया सेक अंडरस्कोर 8 डॉट एक्सएलएस फाइल को आपने एक्सेस किया। ओके अब यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, हमने क्या किया डेस्कटॉप पे हम एक क्रिएट करते हैं फोल्डर, फोल्डर क्रिएट किया हमने, इसको हम नेम दे देते हैं इस फोल्डर को, पहले हम इसको नेम दे देते हैं, ठीक है इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम हम इसको कर देते हैं फोल्डर वन, राइट इसको हमने फोल्डर वन नेम दे दिया है, इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं, हमने यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट कर दिया, इसको हमने नेम दे दिया फोल्डर टू, राइट फोल्डर वन फोल्डर टू। अब फोल्डर टू के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं फाइल नेम, फाइल वन के नेम से फाइल वन ले लिया हमने इसको, और इसमें हम क्या करते हैं एक टेक्स्ट लिख देते हैं वेलकम टू पाइथन क्लास, ठीक है हमने टेक्स्ट ले लिया वेलकम टू पाइथन क्लास और इसको सेव कर दिया है, राइट इसको क्लोज कर दिया यहाँ से, राइट फोल्डर वन को, फोल्डर टू को, फोल्डर वन को हमने क्लोज कर दिया, राइट अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस करेंगे अपने प्रोग्राम के थ्रू, राइट यहाँ पे हम अपनी फाइल में क्या करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, एफ हमने फाइल हैंडल लिया ओपन ओपन, राइट ओके अब यहाँ पे हम मैं क्या लूंगी जो मेरी फाइल मैंने जो क्रिएट की है राइट उसका एड्रेस, राइट एब्सोल्यूट एड्रेस को मैं यहाँ पे लूंगी, फाइन एब्सोल्यूट एड्रेस को मैं यहाँ पे लूंगी और किस मोड में हम लेंगे, हम लेंगे रीड मोड में, हम उसका डेटा रीड करेंगे। ओके फाइन यहाँ पे इसको करा देते हैं प्रिंट, प्रिंट एफ डॉट रीड, रीड फंक्शन के थ्रू हम उसका डेटा रीड करेंगे फाइल का, एंड देन एफ डॉट क्लोज। ओके तो अब क्या करना है हमें अपनी फाइल पे जाना है और उसका एब्सोल्यूट एड्रेस यहाँ पे कॉपी करना है, राइट तो हम यहाँ पे फोल्डर वन को ओपन करेंगे, फोल्डर टू को ओपन करेंगे, फाइल पे जाके उसकी प्रॉपर्टीज में हम क्या करेंगे उसका एड्रेस कॉपी करेंगे, यहाँ से आप क्या करो उसका एड्रेस कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया आपने फाइन, अब उसको हम अपनी फाइल में क्या कर देंगे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हमने क्या किया एड्रेस को कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, और फाइल का नेम क्या है आपका, फाइल का नेम है फाइल वन डॉट टी एस टी, राइट तो अब इसको हम एड्रेस को हम क्या कर देते हैं रो स्ट्रिंग बना देते हैं, जिससे क्या होगा हमें डबल स्लैश नहीं लगाना पड़ेगा, राइट ये ऐसे ही चल जाएगा फाइन, और इस फाइल को मैं सेव कर देती हूँ, हम इसको सेव कर लेते हैं सेव एस, सेव एस इसको नेम दे देते हैं हम लोग फाइल टू, फाइल टू, राइट और ये मैंने कहाँ सेव करी है ये मैं कर देती हूँ फोल्डर वन में, फोल्डर वन में मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बनाया था फोल्डर वन उसमें मैंने फाइल टू पाइथन की सेव कर दी है, राइट पाइथन की फाइल मैंने सेव कर दी है, सी सेव हो गई है, नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम, इसको रन करते हैं, अब देखो आपका रिजल्ट आ गया वेलकम टू पाइथन क्लास, ठीक है आपने क्या किया था यहाँ पे फाइल का एब्सोल्यूट एड्रेस कर यूज करके, ये आपने एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्यों है क्योंकि आपने कंप्लीट एड्रेस दिया है, फाइल का कंप्लीट एड्रेस देके फाइल का डेटा आपने क्या किया है रीड कराया है फाइन। अब देखो जो मैंने ये पाइथन की फाइल स्टोर की थी मतलब सेव की थी वो कहाँ की थी, मैंने फोल्डर वन के अंदर उसको सेव किया था, ठीक है यहाँ पे मेरी पाइथन की फाइल कहाँ पे जाके सेव हुई है फोल्डर वन के अंदर सेव हुई है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो फोल्डर वन, अच्छा फोल्डर टू में सेव हो गई है पाइथन की फाइल मेरी, ऑलरेडी फोल्डर टू में सेव हो गई है राइट। तो मुझे अब क्या करना है, अब मुझे सिंपल एड्रेस देना है क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे जाके
यहाँ पे अब मेरे को ये पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं देना है, राइट। मैं सिंपल क्या दे सकती हूँ, मैं यहाँ पे डॉट दे सकती हूँ। ओके सी, ये पूरा एड्रेस हटा दो आप, क्योंकि पाइथन की जो आपकी फाइल वन है, ओके, वहां कहां पर है, जहां पे आपकी फाइल टू है। ओके, तो मैं यहां पे इसको रन करती हूँ। रन करने के बाद देखो आपका क्या रिजल्ट आता है, आपका सेम रिजल्ट आएगा, वेलकम टू पाइथन क्लास, ठीक है, एक्सेस हो गया, राइट, एक्सेस हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ डॉट दिया है, फाइन, डॉट backslash file1.txt, क्योंकि हम फाइल टू से फाइल वन को एक्सेस कर रहे हैं और फाइल टू एंड फाइल वन सेम फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देखो फाइल वन एंड फाइल टू आपके फोल्डर टू के अंदर प्रेजेंट है, फाइन। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे फोल्डर वन, फोल्डर डेस्कटॉप, फोल्डर वन, फोल्डर टू नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ पे आप फाइल टू से फाइल वन को एक्सेस कर रहे हो, फाइन। ओके, आप ओके, आपने फाइल टू से फाइल वन को एक्सेस किया है, तो आप डायरेक्टली फाइल आप और फाइल टू आपकी क्या है, ओपन है, राइट, इट इज योर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे आपने सिंपली डॉट दे दिया, राइट, सिंपली आपने यहाँ पे डॉट दे दिया एंड फाइल वन डॉट टी एस टी, इससे आपकी क्या क्या हुआ है, फाइल वन एक्सेस होगी, राइट, दिस इज योर रिलेटिव एड्रेस, फाइन। सो हियर वी हैव डन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस ऑफ अ फाइल। आप कैसे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या है आपका कंप्लीट एड्रेस, एंड रिलेटिव एड्रेस क्या है, रिलेटिव एड्रेस इज रिलेटिव टू योर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। सो इन दिस वे यू कैन एक्सेस योर फाइल, फाइन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।